नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, आज आरएमसी का रिज़ल्ट आ चुका है। कुछ बच्चों ने क्वालिफाई किया है हमारे यहाँ से। मैं बधाई देना चाहूँगा नमन बिष्ट को। नमन बिष्ट हैज़ क्वालिफाइड आरएमसी एग्ज़ाम, ठीक है, और मनंश अरोड़ा फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये दो बच्चे थे हमारे जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड ऑल्सो, क्योंकि बाकी के बच्चों ने भी अच्छा किया है, लेकिन इंग्लिश इज़ अगेन द मेन इशू। इंग्लिश में बच्चे कुछ मार्क्स से बस रह गए। आई हैव द रिज़ल्ट विथ मी कि जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनके तो मार्क्स नहीं आते, बट मैं आपको एक बार रोल नंबर ज़रूर बताना चाहूँगा। तो उत्तराखंड से जो बच्चा हमारा सिलेक्ट हुआ है, वो है नमन बिष्ट। 196 इसका रोल नंबर है। मार्क्स आर नॉट गिवन, वो इंटरव्यू के बाद देते हैं वो। और दूसरा जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है हमारा, वो है महाराष्ट्र से, मनन शरोड़ा है उत्तराखंड से, लेकिन उसके फादर आर्मी में हैं, तो उसके वजह से उसको प्रिविलेज मिला कि वो महाराष्ट्र से भर सकता है, ठीक है। तो मनंश अरोड़ा का जो रोल नंबर है वो है MH 20191102, ठीक है। अगेन मार्क्स आर नॉट गिवन, ठीक। लेकिन मैं मार्क्स देख रहा था बच्चों के, और थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छे थे, कुछ मार्क्स से रह गए हैं। इंग्लिश में 3-4 नंबर से रह गए। मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है। मैथ्स में 200 में से किसी के 164 हैं, किसी के 170 हैं। जीएस में भी अच्छा करा है, 51 है, 48 है, लेकिन इंग्लिश इज़ द मेन इशू। तो मैं बच्चों आपसे कहूँगा, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरएमसी। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट प्रैक्टिस इट मच, इंग्लिश में ही ज़्यादा फेल होते हैं, ठीक है। तो आपने इंग्लिश में थोड़ा सा बेटा मेहनत करनी ज़्यादा है, प्रैक्टिस सेम एज मैथ्स। जैसे हम मैथ्स को डेली टाइम देते हैं, वैसे ही आपको इंग्लिश को भी डेली टाइम देना है। राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। राइटिंग का मतलब है आप कैसा लिखते हैं, क्योंकि एसेज आर देयर, कॉम्पोजिशंस आर देयर, तो आपने उसको अच्छे से लिखना है। वोकैबलरी वो बच्चों को डालनी है अपने राइटिंग पे, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर एक इंसान है बेटा, ठीक है। अगर उसको कोई चीज़ उसको अगर आपकी राइटिंग पसंद आएगी जो आपने लिखा है, डेफिनेटली विल गोइंग टू गिव यू मोर मार्क्स, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता, कोई एग्जामिनर नहीं चाहता कि बच्चे ना निकले, ठीक है। तो फिर से यही चीज़ रिपीट करूँगा कि इंग्लिश में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वोकैबलरी, idioms एंड phrases, इनको अपनी राइटिंग पे इंक्लूड करना है, ताकि थोड़ा सा इफेक्टिव हो। ग्रामर तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने निकाला है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते थे, बस यही डिफरेंस है। तो वो जो थोड़ा सा एफर्ट है बेटा, इट विल गोइंग टू यू ना गोइंग टू मेक यू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। दैट एक्स्ट्रा एफर्ट विच यू हैव टू मेक इन योर पर्सनैलिटी और इंग्लिश एज वेल एज इंग्लिश इज कंसर्न, ठीक है। तो अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नमन एंड मनन शरोड़ा, आपको ऑल द बेस्ट। उसके अलावा जितने भी एक्सपीरियंस हैं इस बार आरएमसी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको भी ऑल द बेस्ट बेटा। अच्छे से पढ़ाई करो, डेफिनेटली विल गेट सिलेक्टेड।